आरिफ और सारस की दोस्ती के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन शाहजहांपुर में रचित और मंगलू की दोस्ती के जो किस्से हैं उनकी भी गली गली में चर्चा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त रचित, उनसे बात करेंगे। रचित भाई, ये जो मंगलू है आपका, कब से मिला है आपको, कैसे मिला ये? ये मेरे पास लगभग 6 महीने से है। ये जब बहुत छोटा था, इसके माँ बाप जो थे उन्हें बाज से मार दिया था, तो तब से हमारे ही पास है। हम ही ने लोगों ने इसे अपने हाथों से खिलाया है और तब से हम लोग के साथ ही रहता है। बाइक के साथ भी रहता है, जैसे भी कहीं भी जाते हैं तो साथ में ही रहता है। बाई चांस जैसे हम नहीं होते हैं, काम पे होते हैं या कहीं कॉलेज वगैरह क्लासेस जाते हैं, तो ये हमारे भाई हैं, ये संभालते हैं। इनका नाम ललित है, यही जो है इसके इनके पास रहता है, यही खिलाते पिलाते हैं, इन्हीं के पास रहता है। क्या पूरी दिनचर्या क्या रहती है? सुबह आप उठते होंगे तो फिर कैसे, कौन सुबह पहले पहले कौन उठता है? पहले तो यही उठता है, फिर हम उठते हैं, फिर उसके बाद इसे जो है वॉक पे ले आना पड़ता है इधर थोड़ा बहुत इसको, फिर उसके बाद घर जाके फिर इसे खिला पिला के फिर हम जाते हैं यहाँ से। फिर ये भाई होते हैं, ये दोपहर में भी खिलाते हैं, शाम में भी यही खिलाते हैं, जब क्योंकि मैं रात में 9 बजे के लगभग घर पहुँचता हूँ, तब तक ये अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं जाके, फिर जब पहुँचते तब ये पास आता है। तो जब आप निकलते हैं वॉक के लिए, फिर बाइक से भी निकलते हैं, बताते हैं कि उस वक्त कैसे चलता है सर? ये उस वक्त इसकी मर्जी है, कभी कभार कंधे पे बैठेगा, कहीं उड़ जाएगा, फिर घूमते घूमते गाड़ी के पीछे पीछे आएगा, फिर ऐसे ही आता रहता है। जैसे ही गाड़ी रोकते फिर बैठ जाता है आके वापस से। कितनी हाइट तक चला जाता है ये? इसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊंचा चला जाता है, कभी कभार तो दिखना भी बंद हो जाता है, इतना ऊपर चला जाता है। ये हमारे यहाँ शाहजहाँपुर की फेमस नस्ल है, बोली जाती है। कौन सी नस्ल है ये हरे कबूतर बोले जाते हैं शाहजहाँपुरी। तो आप बता रहे कि काफी ऊंचा चला है, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि शायद कहीं गुम ना जाए? लगता है, डर तो लगता ही है, बाई चांस की बात है कि यही डर लगा रहता है, जैसे इसके माँ बाप के साथ हो गया, कहीं इसके साथ भी ना हो जाए। और जब ये ऊपर जाता है तो बाई चांस कौओं से डर जाता है, कहीं लंबे निकल गया तो कैसे आएगा, तो ये सब भी डर लगे रहते हैं। तो जब आपके पास आया, कितनी उम्र थी इसकी? तब तो ये बहुत छोटा बेबी था, लगभग ऐसे ही 10-12 दिन का होगा। इसकी सिर्फ आँख खुल पाई थी, ना पर थे ना कुछ नहीं था इसका। तो क्या खिलाते हैं इसको? इसको चने भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है, दाल चावल भी खा लेता है, और आलू की सब्जी वगैरह बनती है वो भी खा लेता है। जैसे कि चने हैं मेरे हाथ में अभी, तो ये देखिए कैसे नीचे आएगा अभी। पानी यानी भी पी लेता है, मुंह से भी पी लेता है, हाथ से भी पी लेता है। तो जैसे कि बात हमने की कि आपकी दोस्ती की, जो बड़ा चर्चे हैं मंगलू की और आपकी दोस्ती की, तो लोग देखने भी आते होंगे, तो कभी लगता नहीं कि बड़ा डिस्टरबेंस होता हो उसमें? नहीं, लोग आते हैं, वैसे तो अब तो बहुत पुराना हो गया है, जब नया नया था तो लोग आते थे, बच्चे अभी भी आ जाते हैं, तो बच्चों के साथ ये भी बहुत खुश रहता है, खेलता रहता है ऐसे ही, बस यही सब है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? बस यही कहना चाहेंगे कि जितने भी पशु पक्षी हैं उनसे प्रेम करो, अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी प्यार दोगे, थोड़ा सा भी अटेंशन दोगे, तो वो आपको भी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा के देंगे। तो हमारे साथ रचित थे, जिन्होंने बताया कि मंगलू उनके पास बहुत छोटा सा था जिस वक्त से उनके साथ रह रहा है। मंगलू के जो माता पिता हैं उसको बाज ने मार दिया था, उसके बाद में लगातार जो देख रेख है उन्हीं ने की है, उन्हीं ने इसको पाला पोसा है, और वो अब उनकी तरह एक साय की तरह रहता है। शाहजहांपुर से लोकल 18 के लिए सिमरनजीत सिंह।